हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए भाई, क्योंकि मुझे कुछ गाने याद आते हैं। हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन तुम? ये फासला जो दिल ने किया, ये फासला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने कर दिया, बाकी हम नहीं जानते भैया। ये कहते हैं ना, तुम दिल से देखते हो कि मेरा शो सेफ होगा, मेरा शो TRP देगा, मेरा शो टॉप 5 में होगा। ये दिल से देखते हैं, दिमाग से देखिए। एंटरटेनमेंट की दुनिया है यार, दिमाग से चलती है, दिल से नहीं चलती है। दिल से आप घर के रिश्ते निभाइए, दिमाग से बाहर का बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया देखिए। नए नए शो आते हैं, दिमाग पे मत लीजिए और सही फैसला लीजिए। या इसमें शो में स्टोरी बेकार चली है, पक्का TRP डूबेगी। होता है या नहीं होता है? चलिए तो बात करते हैं BRC TRP Week 29 की। हिंदी टेलीविजन में टॉप 5 में किसने बनाई है जगह? वो कौन से शो है जिसने अपनी पकड़ पकड़ी हुई है, और कौन से शो है जो टॉप 5 से बाहर हो गए हैं? अच्छा लगता है कुछ हटके TRP आती है, सेम आती है तो लगता है यार इन्हीं के शो रहते हैं। नंबर 1 की पोजीशन पे कौन सा शो है भाई? नंबर 1 की पोजीशन पे आपका अनुपमा है, जो हमेशा बना रहता है, लेकिन 2.7 रेटिंग निकल के आई है। ये माया के मरने से आई है। माया के मरने का दुख नहीं हुआ था फैंस को, दुख हुआ था कि अनुपमा अमेरिका नहीं गई, वापस आ गई। ना जाने कितनी लेडीज का तो दिल ही टूट गया जो अनुपमा से जो है कुछ सीखती हैं। ऐसे में पहले अपनी बेटी के लिए छोड़ दी थी अमेरिका का सपना, फिर अपनी छोटी अन्नू के लिए सपना छोड़ दिया। बच्चे हैं ना, कुछ भी करा सकते हैं माँ बाप से, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे क्या करेंगे पता नहीं। 2.7 रेटिंग आई है, लेकिन नंबर 1 है। नंबर 2 की पोजीशन पे है ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई मैंने आपसे कई बार बोला है, राजन शाही के शो में वही टिक पाता है अगर TRP निकाल कर दे रहा है। अगर TRP नहीं आएगी तो राजन साई उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे, फिर चाहे मेन लीड में हो या उन्होंने बीच में एंट्री कराई हो, कुछ भी हो। ऐसे में जय सोनी की एग्जिट हो रही है शो से, पत्ता साफ हो रहा है। ये चीज़ राजन साई ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। चलिए देर से आए पर जल्दी करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे में TRP निकल कर आई है 2.1, हो गई ना कम। ये फैंस पावर है भैया, थोड़ा सा चलना पड़ता है। नंबर 3 की पोजीशन पे है गुम है किसी के प्यार में। गुम पूरी कोशिश कर रहा है TRP बढ़ाने की, लेकिन शौर्य अनोखी की कहानी रटवा रहे हैं हमें यार। मतलब हमें एग्जाम देना है क्या, जो हमें आप वही कहानी को रटवा रहे हैं कि पहले हमने उसमें दिखाया अब तुम्हें इसमें दिखाएंगे? हमें एग्जाम देना है शौर्य अनोखी की कहानी के ऊपर? पता नहीं यार, पर 2.TRP हो गई है इसकी, ठीक है 2.0। अब देखते हैं आगे कितनी बढ़ती है कितनी कम होती है। बात आती है नंबर 4 की पोजीशन पे किसने बनाई है जगह। वो कौन सा शो है जिसने नंबर 4 पे अपनी जगह बनाई? वो कोई और नहीं है, वो है आपका खतरों के खिलाड़ी। भाई खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शो लास्ट टाइम भी जब आया था तो टॉप 5 में जगह बनाई थी। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं वो कितनी जगह देता है, लेकिन फिर भी गुड न्यूज़ है कि कलर के शो ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है और उसकी रेटिंग निकल कर आई है 1.8। बधाई हो खतरों के खिलाड़ी, आपने आखिरकार टॉप 5 में एंट्री मारी है। उम्मीद है कि आगे भी आपकी TRP अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। बात आती है आपके नंबर 5 की पोजीशन पे कौन सा शो है? ये है चाहते, 1.8। भाई राजन शाही मांग रहे थे ये है चाहते की टाइमिंग, लेकिन फिलहाल तो उन्हें 9 o'clock मिल गई है नए शो की, लेकिन ये है चाहते 1.8 है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि TRP डाउन हुई है, लेकिन फिर भी टॉप 5 में जगह बना हुआ है। अब फालतू है, पांडे स्टोर है, इमली है, ये सब टॉप 5 से बाहर है। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं कौन से शो टॉप 5 में जगह बना पाते हैं। तो इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है, या आपको क्या लगता है यार अब तो गए ये शो, या ये शो कहीं नहीं जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।